नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल की वर्कशीट में जब हम किसी वर्कशीट में काम करते हैं तो उसमें लॉक किस तरह लगाया जाता है, किस तरह फाइल को हम प्रोटेक्ट करते हैं लॉक लगाकर। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक्सेल की वर्कबुक को खोलते हैं। देखिए, मैंने विंडो की दबाया, यहाँ से एक्सेल टाइप किया। देखिए, एक्सेल की वर्कशीट हमारे सामने खुल रही है। देखिए, मैंने एक नई ब्लैंक वर्कशीट खोली है। यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि एक्सेल की वर्कशीट है, ये सारी इस तरह करके सेल्स आ गए आपके सारे सारे। सपोज करते हैं यहाँ पर हम कुछ काम कर रहे हैं। आजकल दोस्तों क्या होता है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें आजकल गड़बड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और कोई भी हमारा फाइल्स को छेड़छाड़ करके उसमें कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं। तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डाटा को, और बाई चांस कई बार हम डाटा काम कर रहे होते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, या फिर किसी और पर्सन को हम दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे डाटा को इफेक्ट कर जाता है। तो हम प्रोटेक्ट किस तरह रखें अपनी फाइल्स को, तो उसके लिए आज हम सीखेंगे। सपोज करते मैंने यहाँ पर नाम लिखा, 5 स्टूडेंट्स के नेम लिखे, वेद मिश्रा, दिग्विजय, तारकेश, दानिश। मान लीजिए ये पांच, ये मेरा डाटा है, इसे मेरे को प्रोटेक्ट करना है। तो देखिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आपको प्रोटेक्ट क्या करना है, शीट को। शीट को प्रोटेक्ट करने दो तरीके की, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे शीट में, जहाँ पर ये शीट फर्स्ट लिखा है यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको जो सेल्स है और अनब्लॉक यानी पूरी जो शीट है उसको लॉक करना है। तो उसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, एक पासवर्ड। क्या डालना है, पासवर्ड। तो पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे, 1 2 3। अब दोबारा एंटर करना है, 1 2 3। देखिए, इसमें अगर हम कुछ भी चेंजमेंट होगा नहीं कर पाएंगे। देखिए, कुछ भी लिखना होगा कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन पूरी शीट जो है लॉक है, इसका जो पासवर्ड 1 2 3 है तो, लेकिन हमने इसको किया है। तो देखिए, इसे अगर कोई मिटाना चाहे नहीं मिट जाएगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सेव पॉइंट है। जैसे कि हम कई बार अपना काम कर रहे होते हैं, हम चले जाते हैं तो कोई और एम्प्लॉय आता है तो उस डाटा को कोई रिकैप कर देता है या फिर उसको कुछ चेंजमेंट कर देता है, तो उसने बचने के लिए और डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप कभी किसी ऐसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप अनप्रेजेंट हो और वहाँ पर आपकी वर्कशीट खुली हो। देखिए, अब हम इसको अनप्रोटेक्टेड कैसे करें, यानी कि इसे अनप्रोटेक्शन शीट से कैसे रिमूव करें। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 जो हमारा था उसको डाल देंगे, तो ये वर्कशीट का लॉक अपने आप रिमूव हो जाएगा। देखिए, और अगर लगाना है तो उसी तरह सेम प्रोसेस है कि राइट क्लिक कीजिए वर्कशीट जहाँ पर लिखी है, और यहीं पर प्रोटेक्शन शीट में जाना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल मिलेगी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो।